इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से सामने आई है, जहां श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से आग लगने से हजारों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन तब तक हजारों बीघा गेहूं की जो फसल थी वो बिल्कुल पककर तैयार हो गई थी और अज्ञात कारणों से आग लगने की वजह से किसानों की फसल जलकर राख हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर के मजरा लोहार कला गांव के पास बुधवार दोपहर में खेतों में आग लग गई। हवा तेज चलने के कारण आग एक के बाद एक खेतों को अपनी आगोश में लेते हुए आगे बढ़ने लगी। खेतों की ओर से उठती आग के लपटे व धुआं देख लोग खेतों की तरफ भागने लगे और मौके पर पहुंचे लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। कोई अरहर की झाड़ से तो कोई पानी डालकर आग बुझाने की नाकाम कोशिश करने लगा। आग की लपटे के आगे लोग बेबस थे और आग तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। लोगों को कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई थी, साथ ही ट्रैक्टर से खड़ी फसल को जोत करके आग की चैन को तोड़ा जाने लगा। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने लोगों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत से घंटों बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लोगों के हजारों बीघे गेहूं की फसल जल करके राख में तब्दील हो चुकी थी। इसी तरह सिरसिया थाना क्षेत्र के हेमपुर गांव के पास स्थित गैस एजेंसी के सामने दोपहर में अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग कई लोगों के खेतों को अपनी आगोश में ले लिया। ग्राम प्रधान रहीस की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से सामने आई है, जहां श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से गेहूँ की फसल में आग लगने की वजह से कई बीघे फसल जो है जल करके राख हो चुकी है और दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत व ग्रामीणों की मदद से तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक जो है हजारों बीघे गेहूं की फसल जल करके पूरी तरीके से राख हो चुकी है।